जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओमचो यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का प्यार देने के लिए। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, ताकि आपको हमेशा मोटिवेशनल वीडियो, निःशुल्क ज्योतिष परामर्श और ज्योतिष के बारे में विभिन्न जानकारी आपको मिलेगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नया साल आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, इस साल आपके साथ साथ क्या है खास, और इस साल आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किन चीज़ों से सावधानी रखना चाहिए, और ये साल में ओवरऑल जो व्यू ऑफ पॉइंट है वो क्या रहेगा, उस पर हम बात करेंगे। ये सभी राशियों पर लागू होता है, ना कि पर्टिकुलर आपकी राशि पर। पहले निवेश की बात करता हूँ। निवेश इस वर्ष अगर आप कहीं भी करना चाहते हैं तो बहुत सावधानी से करिएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, नहीं कोई बोल रहा हूँ, क्योंकि इस साल होने वाले निवेश के पैसे आपके रुक सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, 2-4-5 साल, 2-3 साल, कोई दिक्कत नहीं। ज़मीन खरीदना चाहते हैं बिल्कुल खरीद सकते हैं, पर शेयर मार्केट से दूरी बना के रखिएगा। सट्टे बाज़ार, वायदा बाज़ार, इन जितनी भी चीज़ें, इनसे दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि ये तकलीफ में डाल सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आर्थिकता उन्नति सबसे बड़ी चीज़ है। आज वो पैसे आपके पास 2018 में आपने कमाए हैं, इन सालों से, इतने सालों से मेहनत करके कमाए हैं, वो एक क्षण में जा सकते हैं, ये इतनी बड़ी संभावना है मुझे दिखाई दे रही है इस वर्ष। इसके सिम्टम्स आपको शुरुआती दिसंबर से दिखना शुरू हो जाएंगे। लॉलीपॉप्स स्टाइल में होगा कि आपको लालच देना शुरू हो जाएगा, लालचीपन, कुछ भी तरीके से आप फंस सकते हैं। तो ध्यान रखें, सावधान रहें, आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी बात, विवाह की, शादी नहीं हो रही है, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, तो शादी जिन ज्योतिषों की नहीं हो रही है उन सभी के लिए खुशखबरी है कि इस साल शादी के बहुत अच्छे योग हैं, बहुत अच्छे। शुक्र जो अभी गया बृहस्पति के साथ, बहुत से लोगों की तो बात अभी ही पक्की हो चुकी होगी, वो बहुत से लोग वीडियो सुन रहे होंगे, उनकी शादी 2019 में हो जाएगी। तीसरी बात करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा बीच में बात निकल कर आई है, पारिवारिक तलाक के बहुत से मसले आजकल हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच विवाद, झगड़े हैं। दोस्तों प्लीज़ इन चीज़ों को सुलह से बैठ कर समझ कर शॉर्ट आउट कर लें, बहुत अच्छा होगा, और करना भी चाहिए। ये मत सोचिए कि पहल मैं करूं वो करूं, अगर पहल वो भी कर रहे हैं तो उस पहल का सम्मान करें, आप कर रहे हैं तो आपकी भी पहल का उनको सम्मान करना चाहिए। कोशिश जारी रखें और दोनों के बीच सामंजस्य बिठाकर जो भी निर्णय हो उसे मान्य कर दोनों एक साथ रहें, या अलग होना है, जो भी होना है वो निर्णय ले लें। क्योंकि अगर ये सिचुएशन जारी रही तो ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकती, तकलीफ दे सकती, अपने बच्चों को, बीवी को, अपने बच्चों को, पति पत्नी दोनों को, कहीं ना कहीं प्लेन डायरेक्टली। इसलिए प्लीज़ इनको ख़त्म करें। दोस्तों परिवार से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, मित्रों से मिलन होता रहेगा, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, और कुल मिलाकर 2019 आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। मैंने पहले ही आपको जो बातें थी मुख्य वो शेयर कर दी। इसके अलावा हर एंगल पर सरकारी नौकरी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, प्राइवेट जॉब में अच्छा उन्नति चाहते हैं बिल्कुल उन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश कीर्ति, सभी चीज़ें मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।